हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के अपनी राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार मैं आप सभी के बीच पार्ट टू लेके आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड, मैं तीन पार्ट में आप लोगों को होट क्वेश्चन दूंगा। आज ये सेकेंड पार्ट जो आपकी दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर बनेगा। दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा, आपके एग्जाम की तैयारी आपने जो किया, इतना दिनों से आपने जो पढ़ाई किया, लेकिन आपको जिस चैनल से पढ़ाई दिया जा रहा है, इस चैनल के माध्यम से जो आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो पढ़ाते आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न, कृपया कर आप जरूर देख ले इसको। हाँ, आज मैं जो ये हॉट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देख करके, इसको पढ़ कर कहीं जाए, अगर ये इसको आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर जाने की संभावना रहेगी। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। आज मैं आप सभी को पार्ट टू में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में जितने सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, दो नंबर के जितने सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, आज मैं उन पर चर्चा करने जा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज चलिए आज हम दो नंबर के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, केमिस्ट्री में आपको 8 प्रश्न दिया जाएगा, टोटल 8 प्रश्न दिया जाएगा आपको, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। 4 प्रश्न यानी कि 8 नंबर, यानी कि एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो आज उसी को चर्चा करते हुए इस सेशन को, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो लोग पिछले वीडियो यानी कि भौतिकी की जो पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर क्लिक करें, फटाफट वहां पे जाकर विजिट करें और देखें ये हॉट क्वेश्चंस जो मैं आप लोग को दिया हूं, ताकि आप लोग को छूट ना पाए, और जाकर याद कर ले, और एग्जाम से पहले उसको देख करके, याद करके, दिमाग में, मेमोरी में डाल करके फिर एग्जाम में बैठना है। तो दोस्तों आज चलिए अब पार्ट टू के बारे में बात करते हैं, रसायन विज्ञान। सबसे पहले रसायन के विज्ञान में आप लोगों ने बहुत सारे कोचिंग संस्था पढ़े होंगे, बहुत सारे कोचिंग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, लेकिन आप मेरा भी चीज देखिए, अब आज का जो प्रश्न मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले क्या है, रसायन विज्ञान। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आज का प्रश्न शॉर्ट प्रश्न है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न ये पहले यहाँ पर लिख दीजिए, होट क्वेश्चन। ठीक है, होट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रश्न आप लोगों के बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठे, ये प्रश्न आप लोग लिख लें। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न सोडियम कार्बोनेट का क्या हो गया, जलीय विलयन क्षारीय। देखिए यह प्रश्न बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षारीय होता है क्यों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले नोट करें, आंसर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो याद कर ले। अगर हाँ आपको आंसर भी चाहिए इसका पीडीएफ के साथ साथ, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको विद आंसर चाहिए, तो आप कॉमेंट्स करें, मेरे व्हाट्सएप से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर जुड़े, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप हमें हाई लिख के और मुझे पीडीएफ का डिमांड करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। चलिए सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ध्यान दीजिए, इस बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं जो लिखा रहा हूँ आप लोग जरूर इस प्रश्न को याद करें। जल के साथ क्या होगा, अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे, लिए क्या लिखे, समीकरण के लिए समीकरण लिखे। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखे, या फिर आपको पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के का क्या सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ दिया सकता है, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो अब किस फर्स्ट प्रश्न क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों,
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलीय जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखें। जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो समीकरण को लिखेगी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस क्या जल के साथ जो अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगी, उसका सूत्र क्या होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, अभी आप लोगों को बहुत पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के पास काफ़ी टाइम तो नहीं है, मात्र 3-4 रोज आप लोगों के पास छः टाइम है, इसलिए जी जान लगा दें, सोना सोए कम और पढ़ाई पर ध्यान दें। सोना भी जरूरी है परंतु अभी अभी आपको पढ़ाई बहुत ही काफ़ी जरूरी है, ठीक है। चलिए थ्री नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए खनिज पदार्थ, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आपको अंतर पूछेगा ही, खनिज पदार्थ और खनिज पदार्थ और अयस्को अयस्के के बीच बीच क्या है, बीच दो अंतरों को लिखें, दो अंतरों को लिखें या फिर अंतरों को लिखें, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपका हो गया, क्या कह रहा है, खनिज पदार्थ और अयस्के के बीच दो अंतरों को लिखें, या खनिज पदार्थ एवं कर सकते हैं इसको, चलिए एवं कहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दो अंतर या दो अंतर लिखने के लिए बोल रहा है, अगर आप दो अंतर नहीं कहे ऐसे भी कर सकते हैं, खनिज पदार्थ एवं अयस्के के बीच अंतर लिखें, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, चौथा प्रश्न कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये आपका चौथा प्रश्न हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, क्या कह रहा है कि जल अनुपस्थिति ठीक है अनुपस्थिति में क्या कर अम्ल का व्यवहार, यहां पर प्रश्न समझने वाली है, क्या कर रहा है अम्ल का व्यवहार। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अम्ल अम्ल का व्यवहार व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, अच्छा प्रश्न है, अम्लीय क्यों नहीं होता है दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पांचवा समाप्त हो गया, सिक्स नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, ठीक है ये बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन क्या है, क्या कर रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछेगा ही, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ये कितने प्रकार के होते हैं। सेवन नंबर प्रश्न क्या करता है, चलिए कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ठीक है उभयधर्मी ऑक्साइड, बहुत ही कम समय बचा है, चार रोज में आप लोगों को आर पार कर देना है पूरा, और इस बार अच्छा इतना अच्छा मार्क लाना है कि आप के पूरा फैमिली लोग पूरा खुश हो जाएंगे, आपके समाज के लोग। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, क्या होता है, क्या है या क्या होता है, होता है ठीक है क्या होता है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें, इसी में आपको कहा जाएगा दो उभय धर्मी ऑक्साइड ऑक्साइड का उदाहरण दे, ये आपका एक प्रश्न हो गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, इसको नोट किया जाए, नोट करके इसका आंसर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करें, व्हाट्सएप से जुड़े, ठीक है, वहाँ सबको पीडीएफ मिल जाएगा इसका आंसर। एट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन
देखिए मस्त प्रश्न है। जिंक को, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक को आयरन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट के विल, क्या कहता है, विलयन में डालने से क्या होता है, डालने से क्या होता है, ये प्रश्न आपके लिए, क्या होता है, ठीक है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसको लिखना पड़ेगा आप लोग, ठीक है। ये प्रश्न आपका 8 प्रश्न हुआ। मैं आप लोगों को दो प्रश्न और एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, दो प्रश्न इसलिए एक्स्ट्रा देने वाला हूँ क्योंकि प्रश्न जो है ना इस बार जिस तरह पूछा जा रहा है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन दो प्रश्न आप लोगों को और दे रहा हूँ जो आपको लॉन्ग में पूछे जाने की संभावना है। मैं इसी में आप लोगों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसी में आप लोगों को ऐड कर देता हूँ। चलिए ऊपर से मिटा लेते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। आप लोग के पास टाइम नहीं है, जितना हो आप लोग फटाफट पढ़िए और पूरा पढ़ने में दिमाग लगाइए, कहीं भी यहाँ से वहाँ दिमाग मत लगाइए, आपकी पढ़ाई ही आपको आगे तक ले जा सकती है। आप अच्छे मार्क आएंगे तो सब लोग पूछेंगे, और अच्छे मार्क नहीं आएंगे तो सब जो है आपको दबोचने में लगे रहेंगे, सब तो हंसेंगे आप पर। आपको पढ़ना है और उनको अपने दुश्मनों को रिजल्ट निकाल कर देना है जो आप पर आपकी पढ़ाई पर हंसते रहे हैं, ठीक है। चलिए नॉर्मल प्रश्न क्या कर रहा है, ऊपर में मैं लिख रहा हूँ, Q1 क्या है, Q1 की क्रिया क्या है। चलिए ये भी भाई की प्रश्न हुआ, Q1 क्या है, Q1 की क्रिया क्या है। इसमें और पूछ देगा आपको, इसमें कौन सी गैस निकलती है, अच्छा प्रश्न है, इसमें कौन सी गैस, इसमें कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया 9th नंबर। और 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखें, धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखें, अच्छा प्रश्न है, अनुसूत्र लिखें, ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें इसके उदाहरण भी बोलेंगे आपको, इसमें क्या है, इसके दो उपयोग क्या है बताएं, ये आपका प्रश्न हो गया, 10th प्रश्न हो गया, यानी कि केमिस्ट्री में आपको कुल मिलाकर 10th प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्न जो आपको यहाँ से एग्जाम में अच्छे मार्क लगाने की संभावना रखते हैं, यहाँ से आपको जो है अच्छे मार्क आने की संभावना रहती है। ये 10th प्रश्न जो आपको बहुत ही फायदा उठाएगा, ये आपसे इसमें होगा क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रसायन शास्त्र जैसे इसमें क्या होगा, 8 प्रश्न पूछा जाएगा आपको, इसमें 4 का जवाब देना पड़ेगा आपको, पास क्या रहेगा 8 प्रश्न रहेगा, 8 में से 4 ही प्रश्न लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि 8 प्रश्न लिख देना है, ठीक है। आपके पास टाइम भी कम रहती है इसलिए इसको ध्यान देंगे, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं 8 प्रश्न रहते हैं, लगता है चलो उसको पढ़ता ही नहीं और उसको क्या करते हैं 8 प्रश्न बना देते हैं, तो समय क्या होता है उसमें व्यर्थ चला जाता है, मार्क भी उतना ही मिलेगा 4 मार्क, यानी कि 4 प्रश्न का जो उत्तर देंगे वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आज ये आपको पार्ट 2 आज सोल्व कर दें इस वीडियो में, और पार्ट 3 बायोलॉजी का जो आने वाला है मैं जल्दी ही आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, और वीडियो विजिट करते रहेंगे। और आज का ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे दृष्टिकोण से, हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए हमारा वीडियो। और हाँ, जितनी सारी मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पर जाके जरूर देख ले, हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया है। आपकी ऑब्जेक्टिव अच्छी चली जाती है, बेहतर चली जाती है, तो आपका सब्जेक्टिव अगर 2-3-4 नंबर, अगर 2-3 सब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग, तो आपको कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर फोकस जल्दी कीजिए। मैं और हाँ, एग्जाम से पहले मैं ऑब्जेक्टिव की और अच्छे से विशेष तैयारी करूँगा और हॉट क्वेश्चन लाने की आप लोगों के बीच में प्रमिश करता हूँ और लाऊँगा भी, ताकि आपको एग्जाम अच्छा जाए, अच्छे से पढ़ पाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बायो की क्लास
जरूर देखें। बायो के जो हॉट क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसी तरह महत्वपूर्ण हुआ है मैंने जो फिजिक्स बताया, आज केमिस्ट्री का बताया, ये दोनों आप सबसे पहले याद कर लीजिए, फिर रेडी रहिए बायोलॉजी क्वेश्चन के लिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।